सुपरस्टार सलमान खान ने काफी समय से ही ऐश्वर्या से मुलाकात नहीं की। देखा जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन से सलमान खान को अब कोई मतलब भी नहीं रहा, क्योंकि अब ऐश्वर्या है किसी और के घर की बहू, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। वल हम आपको बताना चाहेंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी झटका लग जाए। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर सलमान खान जो है यहाँ ट्रॉल हुए हैं, और ये सच है। लेकिन सलमान खान किस वजह से ट्रॉल हुए हैं ये आपको बताते हुए ये जानकारी भी हम आपको ये देना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ट्रॉलर्स ने सलमान खान की कैसे धज्जियां उड़ाई, कैसे ऐश्वर्या के जन्मदिन पर विश ना करना सलमान खान की अपनी मर्जी थी और वो ऐश्वर्या की प्राइवेसी में बीच ना आने की पीछे की वजह थी, फिर भी वो ट्रॉल हुए। दरअसल ऐश्वर्या को जब हाल ही में बर्थडे पर विश किया गया तो किसी ने कहा, सलमान खान सर भाभी को विश कर दो। सलमान खान की वाइफी कहलाने लगी वो, हैप्पी बर्थडे सलमान भाई कह रहे हैं लोग ऐश्वर्या के बर्थडे पर। किसी ने कहा, सोलमोन भाई की ओपिनियन नहीं बोले। इधर ऐश्वर्या की तारीफ में सलमान क्यों ना कुछ कह रहे हैं। किसी एक ने कहा, एंड व्हाट अबाउट भाई, उनकी क्या राय है ऐश्वर्या को लेकर। टुडे इज बर्थडे, नो मोर विश मी, शी इज सो ब्यूटीफुल एंड इवन मोर ब्यूटीफुली वर्सटाइल्ड। वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए एक पोस्ट और था। दरअसल एस शंकर के पोस्ट को जब शेयर किया गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन एक हीरो है, वो खुद को एक हीरो की तरह रिहर्सल प्रैक्टिसिंग और ऑब्जर्विंग में तैयार करती है, वो बहुत एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करती है, तो लोगों ने कहा, हैप्पी बर्थडे सलमान खान्स लव, यू डिडंट मेंशन सलमान खान्स व्यूज। यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के बर्थडे पर सलमान की ओपिनियन जरूर होनी चाहिए थी, ये कहकर सलमान को यहाँ एम्बेरेस किया गया है। आप समझ सकते हैं क्यों आखिर सलमान के लिए बात हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।